सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एस हैमर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, एस हैमर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपने लिए कोई बाइक खरीदते हैं तो उसकी एक्सेसरीज लगाते हैं, कार खरीदते हैं उसकी एक्सेसरीज लेते हैं, उसी प्रकार से अगर आप गन खरीदे हो तो उसको उसकी भी कुछ एक्सेसरीज होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बताऊँ। एक विवरण कहता हूँ होलिस्टिक के बारे में थोड़ा बताइए, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं, ये इसके साथ मिला हुआ है। मार्केट में कई किस्म के ये आते हैं, मेरी प्रेफरेंसेस यही होगी आप लेदर वाला ही लें, थोड़ा चूँकि मजबूत होता है वो। और अगर आप पिस्टल वाला ले रहे हो, जैसे ये पिस्टल के लिए है, तो पिस्टल वाले में ये कंपनी ने दिया है तो ठीक है। इसमें डबल सिस्टम है, एक तो आपको अंदर से लगाने के लिए और बाहर से, मतलब ये जब बेल्ट के अंदर लगेगा तो ये गन बाहर दिखेगी और जब अंदर से आप खोसोगे बेल्ट के तो ये अंदर हो जाएगी, मतलब पैंट के अंदर। तो ये दोनों तरफ से पहनने के लिए है, तो आप इसको ही प्रिफर करें। मगर अगर आप दूसरा लेना चाहते हैं तो इसमें एक और आता है मटेरियल, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें यहाँ पर एक और कवर होता है, एक और पाउच होता है जिसमें मैगजीन रखने की जगह होती है। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि आप पिस्टल ले रखे हो तो उसमें एक मैगजीन एक्स्ट्रा मिलती है, तो आपके गन के साथ एक आपने गन में मैगजीन लगा ली है, दूसरा आपने होल्डस्टर में मैगजीन लगा ली है, तो आप इन दोनों को ले सकते हो। मेरी सलाह ये एक और होगी कि आप वो वाले होल्डस्टर न खरीदें जिसमें गोलियां बाहर से लगाई जाती हैं, उसमें गोलियों पे गंदगी लग जाती है, गोलियां घुस जाती हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं रहेगा। आप इन्हीं में से किसी का प्रयोग करें। ठीक है, लेते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले है सिलाई, इसको आप देख सकते हैं थोड़ी सी सिलाई इसकी अच्छी नहीं है, आप जब लें तो इसको ज़रूर चेक करें, सिलाई प्रॉपर होनी चाहिए। पिस्टल वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा जब भी लें तो आगे से पैक वाला लें, और रिवॉल्वर वाले जो लें वो ओपन वाला लें जिससे थोड़ी सी बैरल बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें आज की जो साइटर होता है वो टकराती है तो वो फटता जल्दी है इसलिए। तो ये होल्डस्टर है, इसके बारे में कई मॉडल है, कई तरह के, मैं लिंक दिखा दूंगा, उसमें से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग रेट अलग अलग डिज़ाइन की ये होते हैं, इसमें काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन आती है, जैसे ये वाली जो है वो यहाँ से लॉक होकर कुछ इस तरह दिखाई देती है। कुछ लोग पसंद करते हैं जो यहाँ से पूरी तरह से गन दिखाई दे, ठीक है, मगर उसमें क्या है गन निकलने का डर रहता है, उसमें सिर्फ एक बेल्ट लगा होता है, तो ये काफ़ी सिक्योर मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है एक। तो ये इसके लिए मैं चाहूँगा यही आप प्रेफर करें इसी तरह का, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे आप ले सकते हो। ये जो होल्डर है ये आप देख सकते हो पैंट में यहाँ पे अंदर की तरफ, इसको हम अंदर से इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये अंदर से चली जाती है, क्लिप होती है और यहाँ से बेल्ट गुजर जाता है, तो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाती है। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको यहाँ इस तरीके से लगाएं बेल्ट में, ठीक है, तो ये बाहर से, तो अंदर बाहर दोनों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह का कुछ आप अपने लिए लें, इसको मैं नीचे रखता हूँ। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है गोलियों के लिए पाउच। मार्केट में किसी किस्म के पाउच आते हैं, 200 300 400 रुपए के लिए पाउच आते हैं गोलियाँ रखने के लिए, ये मैंने खुद बनाया है अपने लिए। ठीक है, ये एक ज्वेलरी बॉक्स का डब्बा था, मैंने उसको काट के अपने लिए बना लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, चेत मेरी ज्वेल्स का लोगो लगा हुआ है, या अपने लिए बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज आप अपने लिए मार्केट से भी खरीद लो, या आप ज़रूर रखो अपने पास लेके। गोलियां इस तरह से नहीं रखते, अच्छे से रखें तो ज़्यादा अच्छा है, आप अपनी गोलियों को सजा के अच्छे से रख सकते हो। ये आपको 200 300 400 रुपये तक में अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा बड्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रिप्स भी मिलते हैं मार्केट में। ये आसानी पिस्टल मार्क 1 की ग्रिप है, मैंने उसी को देख के अपने लिए थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन किया था अपने लिए, ये मैंने ग्रिप खुद बनाई थी अपने पिस्टल के लिए, मगर चूंकि मैं मार्क 2 रख लिया हूँ तो इसलिए ये ग्रिप में किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ग्रिपिंग भी लेनी चाहिए अपने लिए हिसाब से जो अच्छी लगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आप जब पिस्टल खरीदें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो आपका ये हो गया, दूसरा होता है उसकी रिबन। ठीक है, तो रिबन भी ज़रूर आप लें, रिबन इस तरह के बॉक्स में मिल जाता है। ठीक है, रिबन जो होता है आपका ये कुछ 1 मीटर के लगभग रस्सी होती है इसकी, और यहाँ पे हुक्स लगे हैं रिबन को, ये इसलिए लगे होते हैं कि आपकी ये झूल ना जाए, लटक ना जाए, तो आप इसको थोड़ी दूरी पे रख रख के टाइट रख सकते हो। उसमें लेते समय आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से रैपिड हुई हो, और ये क्लिप चेक कर लें टूट कहीं क्रैक ना हो, क्योंकि इसी पे गन आपको सेफ्टी रहेगी, तो ये ज़रूर है। अब इसको पहनते क्या,
ये ज़िप होती है अब यहाँ पे। ये यहाँ खुल रखे इससे ये गन को अच्छे से लेते हो और ये पोर्शन जो है गन के इस जगह लग जाती है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी चीज़ है। ये मार्केट में आपको 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक मिल जाएंगे, आप जैसा चाहो उस तरह का ले लो। ठीक है, ये भी ज़रूर ले लें आप गन के साथ। साथ में WD-40 ज्यूरिक और भी कई तरह के केमिकल्स आते हैं मार्केट में गन को क्लीन करने के लिए, आप इनको भी ज़रूर लें गन को क्लीन करने के लिए। साथ में गन ऑयल भी मिलता है, बहुत महंगी चीज़ नहीं है, 100 रुपये, ये 110 रुपए की WD-40 है, ये 50 रुपए का आपको मिल जाएगा गन ऑयल, और साथ में कपड़े। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने गन की एक्सेसरीज के नाम पे जान सकते हो कि इनकी रिक्वायरमेंट में होती है, और आपके लाइसेंस के लिए लाइसेंस पाउच ये आपको गन शॉप से फ्री में मिल जाती है। तो आप जब भी गन लें तो उसके साथ आप अपनी गोलियों के लिए पाउच ज़रूर लें, गन का पाउच और गन की रिबन, इतना तो आप ज़रूरी लें। इसमें क्वालिटी अच्छी अच्छी होती है, कई तरह के डिज़ाइन होती हैं, मैं अभी बीच में आपको कुछ लिंक्स दूंगा यूट्यूब में, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हाल फिलहाल गन की एक्सेसरीज इतनी किस्म की होती हैं जो हमारे काम की हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं कुछ कम हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे आप ले लो।